हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स। जब घर में होते हैं ना, कहीं हमें बाहर नहीं जाना होता, हमें पता होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, घर में ही रहना है, तो कुछ ना कुछ फरमाइशें आती रहती हैं कि अब ये बना लो, कुछ अच्छा बना लो। तो इसीलिए आज की फरमाइश पे बना है, ब्रेड रोल्स बने हैं। एंड ऋत्विक को इतना पसंद नहीं है ब्रेड रोल्स, बट मैं और विमल खाएंगे, ऋत्विक भी थोड़ा बहुत खा लेगा। ब्रेड रोल्स बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। भाई मैं यहाँ पे ऋत्विक को खिला रही हूँ, विमल ने पहले खा लिए थे, फिर मैं अब ऋत्विक को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। वो खा तो लेगा बट इतने शौक से नहीं खाएगा, और यहाँ पे उसकी मस्ती चालू है। अब बच्चे क्या करें, कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही है। क्यों नहीं उतार रही हो ये शर्ट? पहनो अपनी ऋत्विक, शर्ट पहनो और ये टेबल टूट जाएगी। कब आओगे राजकुमार? बहुत लेट हो गया। राजकुमार आ गए, आ गए, आ गए राजकुमार। हाँ, हाँ क्या? हाँ, और आपने वो हॉर्स तो चला के दिखाया ही नहीं, जैसे राजकुमार हॉर्स पे आता है। तो गो बैक ना। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ खेल रहे हैं यहाँ पे, हम बैट बॉल खेल रहे हैं अब, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। तो कभी बैट बॉल, कभी कोई और गेम ऐसे ही खेल रहे हैं। एंड लंच बनाया नहीं था, बस ऋत्विक के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। एंड हम, मैंने और विमल ने नहीं खाया लंच, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद ऋत्विक सो गया था। एंड इवनिंग में अब मैंने ऋत्विक के लिए बनाया है उपमा, जो कि उसको बहुत पसंद है, वेजिटेबल उपमा बनाया है। और उसको ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सो के उठा है तो उसे थोड़ी भूख लग गई है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे हैंड वॉश, जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने हाथों को बार बार धोइए। तो वैसे भी खाना खाने से पहले तो हैंड वॉश करते ही हैं, तो मैं पहले ऋत्विक के हैंड वॉश करवाऊँगी, उसके बाद मैं ऋत्विक को खिलाऊंगी एंड मैं भी खाऊंगी। एंड ये उपमा हम सभी लोग खा लेते हैं, हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स भी है, स्ट्रॉन्ग बनेगा ऋत्विक। कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं? एंड अब ऋत्विक अपने पापा के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा है खाने के बाद। तो कभी मैं, कभी विमल, ऐसे ही उसको थोड़ा इंगेज रख रहे हैं। जियान, अभी तो आप कहते हैं जियान नहीं हो, आप कहते हैं मैं ऋत्विक। तो ना यही सब चल रहा है अभी। कोशिश ये है कि ऋत्विक को बिजी रखें, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा बोर हो रहा है। एंड सब मस्ती वस्ती होने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको स्टडी करवाई, जो कि मैं डेली उसको करवा रही हूँ अभी, बिकॉज उसने अभी अभी लिखना सीखा है। वो काउंटिंग लिख लेता है, ABCD लिख लेता है। अगर मैं उसे प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी तो सब भूल जाएगा, स्कूल बंद है क्योंकि अभी। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ी देर उसे लेके बैठती हूँ, जिससे उसका माइंड भी डाइवर्ट रहता है थोड़ा। 17, क्या कर रहा है? डांस करता है। डांस? 17, 18, 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
क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, तो इसीलिए डिनर जो है वो लाइट रखा है। कुछ भी हैवी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है घर में रह के, तो इसीलिए पहले ऋत्विक को खिलाएंगे एंड मैं और विमल बाद में खाएंगे। भूख लगी है? एंड सब काम होने के बाद मैंने किचन क्लीन की, बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद मैं सोऊंगी।
किचन का काम कंप्लीट करके अभी बैठी हूँ, बिकॉज हाउस हेल्पर जो है वो तो अभी नहीं आ रही हैं, तो सारा काम खुद करना पड़ रहा है। और अगर किचन का काम मैं मॉर्निंग में करूँ, बर्तन वगैरह, तो फिर ऋत्विक के साथ टाइम कम हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मुझसे बात करो, मेरे साथ खेलो, तो इसीलिए मैं रात में ही सब करके सोती हूँ, सो दैट मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम ना रहे, क्लीनिंग वगैरह का काम ही रह जाए बस। एंड ऋत्विक खाना खा के सो गया था, उसने सबसे वीडियो कॉल करी, मिल तो वो किसी से नहीं पा रहा अभी, तो उसने सबसे वीडियो कॉल करी, अपनी नानी से, अपनी कज़न से, अपनी दादी से, सबसे बात करके फिर वो सो गया था। एंड मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। एंड हाँ, जो हाउस हेल्पर्स है ना, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ना दो तरह की टेंशन है। एक तो सबसे पहले उनको ये टेंशन कि कहीं हमारे पैसे तो नहीं कट जाएंगे, लोग हमें अब काम पे नहीं बुला रहे हैं, लोगों ने हमें छुट्टी दे दी है, तो कहीं हमारे पैसे तो नहीं कटेंगे। दूसरी टेंशन उन्हें खाने पीने की सामान की भी है कि पता नहीं सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा रूमर्स भी क्रिएट हो रहे हैं ना इस टाइम पे, तो लोगों में बहुत पैनिक हो रहा है कि कहीं सामान तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, सामान नहीं मिलेगा। बट लोगों को ये बात समझनी चाहिए, गवर्नमेंट बोल रही है सामान नहीं ख़त्म होगा, सामान नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैंने देखा बहुत लोग स्टॉक कर रहे हैं, बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा सामान लेके आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल करना बेकार है। क्यों? ठीक है, जब हम घर का सामान खरीदते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 10-15 दिन का एक्स्ट्रा सामान होता ही है, तो अभी मोस्टली लोगों के पास 10-15 दिन का अपना राशन सब सामान होगा ही, और डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं, मिल्क वगैरह, वो तो मिल ही रहा है, तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं लोग पता नहीं। एंड मैंने अपनी हाउस हेल्पर को खुद कॉल करके बोला जनता कर्फ्यू वाले दिन के बाद कि अब तुम सीधे 1 अप्रैल को आना, या उसके लिए भी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी आना है या नहीं आना अभी। एंड उसके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि दीदी मेरे पैसे तो नहीं काटोगी, तो मैंने बोला नहीं, मैं पैसे नहीं काटूंगी, पूरे पैसे दूंगी, इवन तुम्हें अगर चाहिए तो तुम आ करके पैसे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें एडवांस लेना है तो तुम पहले से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले जाओ, अगर तुम्हें कोई ऐसी ज़रूरत है तो। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग अभी भी अपने हाउस हेल्पर्स को बुला रहे हैं, तो पता नहीं क्यों लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इस चीज़ को इतना लीनियंटली ले रहे हैं। लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, इकट्ठे होके बातें कर रहे हैं, लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात कि हम सिर्फ अपने घर में सेफ हैं, जब गवर्नमेंट ने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया है, पूरा लॉकडाउन कर दिया है, क्लियर बोला जा रहा है, आपको बता दिया गया है कि ये किस तरह की बीमारी है, किस तरह का वायरस है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, लेकिन लोग इस बात को समझना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ऋत्विक की। वो रोज़ मुझे पूछ रहा है मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा स्कूल जाना है, वैन कब आएगी, मम्मा बस कब आएगी, स्कूल जाना है। उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है और वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। उसको पार्क जाना पसंद है, पार्क नहीं जा पा रहा है। वो डेली इवनिंग में मुझे पूछता है मम्मा सारे बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ हैं, पार्क जाना है, साइकिल चलानी है। तो उस बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बस हम उसके साथ खेल खेल के उसको बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, या जब उसको कुछ समझ नहीं आता तो चलो किसी न किसी से उसकी वीडियो कॉल करा देते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। तो बेसिकली बच्चों के लिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो चलिए, मैं भी अब सोऊंगी। आप लोग भी ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। सब लोग सिर्फ अपने घर में ही सेफ हैं, तो आप भी सेफ रहिए, घर में रहिए। गुड नाइट, बाय।